हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स देखिएगा, हम आज जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्यवर्ती मैदान या उत्तर के मैदान। इससे पहले हमने टॉपिक कवर किया है हम जो आपका था वो उत्तर के पर्वत, ठीक है। ये सभी हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, भारत की भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वो 6 भाग कौन कौन से हैं आपके, नंबर 1 पर उत्तर के पर्वत, ठीक है। उसके बाद आता है उत्तर के मैदान, फिर आपका प्रायद्वीपीय पठार, और फिर थार का मरुस्थल, पाँचवा है आपका तटीय मैदान, और छठा है आपका द्वीपीय समूह। तो अब से पहले हमने जो कवर किया है वो आपका उत्तर के पर्वत टॉपिक कवर हो चुका है, अब आपका चलेगा उत्तर के मैदान। तो आइएगा, ठीक है, शुरुआत करते हैं और हेडिंग डालते हैं उत्तर के मैदान। इसी को बोलते हैं मध्यवर्ती मैदान, ठीक है। इसी में आपका फिर है, इसी को बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। ये हमारा आज का रहेगा टॉपिक। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, देखिएगा, जो उत्तर का मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है, क्या प्रक्रिया है इसके निर्माण की। तो सबसे पहले जान लेते हैं, उत्तर के मैदान का निर्माण 3 नदियों से मिलकर हुआ है, ठीक है, 3 नदियों से। वो नदी कौन कौन सी हैं, ठीक है, एक तो आपकी है गंगा, दूसरी आपकी है ब्रह्मपुत्र, और तीसरी है आपकी सिंधु। ये तीनों नदियां हैं जो आपका उत्तर के मैदान बनाती हैं। अब प्रक्रिया क्या है इनकी, तो प्रक्रिया समझते हैं। देखिएगा, जब भी नदियां पहाड़ों से बहती हुई आती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने साथ कुछ निक्षेपण और अवसाद जो है बहा कर लेके आती हैं, ठीक है। अवसाद को बोलते हैं सेडिमेंट। ये सभी क्या होता है, जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो अपना जो वो जल लेके आती हैं उसके साथ कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इस तरह से लेकर आती हैं, तो यही आपका क्या है, अवसाद हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें निक्षेपण प्लस अवसाद, ठीक है, सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। तो जब ये लेकर आती हैं, पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, तो क्या करती हैं, ये लाकर जमा करती रहती हैं। तो इससे क्या होता है, आपका मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि जो मैदान है इसका डिवाइडेशन कितने पार्ट्स में हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा, जो मैदान है आपका वो बना हुआ है भावर प्लस तराई से, ठीक है। किससे बना हुआ है, भावर और तराई से मिलके बना हुआ है आपका कौन, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। अब भावर जो है उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसे मतलब वो कैसे बना है, ठीक है। तो भावर जो होता है हमारा, नदी का वह कार्य क्षेत्र जहाँ पर विशाल क्या होता है, पत्थर व कंकड़ पाए जाते हैं, और क्या हो जाती है, यहाँ पर नदियाँ दिखना बंद हो जाती हैं, मतलब नदियाँ नहीं दिखती हैं। तो अब इसमें डालेंगे क्या, भावर, और भावर के बारे में जो मैंने बताया है उसको लिखेंगे, भावर। जब नदियाँ पहाड़ों से उतरती हैं तो कंकड़ पत्थर लाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो निर्माण होता है वो आपका भावर का होता है। तो इसमें क्या होता है, विशाल पत्थर प्लस कंकड़, ठीक है, ये सभी नदी के साथ बहकर आते हैं। और अब क्या होगा, जब बड़े बड़े पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे, तो नदियाँ उनमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। क्या हो जाती हैं, नदियाँ नीचे से
बहती हैं इनके, तो इसीलिए ये क्षेत्र कैसा हो जाता है, इस क्षेत्र में नदियाँ हो जाती हैं अदृश्य, ठीक है, इनविंसिबल, यानी कि अदृश्य हो जाती हैं कौन, नदियाँ, नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार बनता है आपका भावर। और ये क्षेत्र कैसा होता है, ये होता है आपका अनउपजाऊ, ठीक है, ये कैसा होता है आपका अनउपजाऊ, मतलब कि यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, ठीक है। अब इसमें आगे बात करते हैं, भावर के बाद आपका जो आता है वो आता है तराई, ठीक है, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर आपका क्या है कि स्थायी जल जमाव होता है, मतलब कि जब नदियाँ पहाड़ों से उतरती हैं तो कंकड़ पत्थर, मतलब जो आपका क्या था भावर का क्षेत्र था, उसमें नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, नीचे से होकर बहती हैं पहाड़ों के, इसके कंकड़ पत्थर के, उसके बाद जब ये वापस तराई क्षेत्र में आती हैं तो यहाँ पर नदियाँ दिखने लग जाती हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि पानी का जमाव हो जाता है और नदियाँ बहती हैं तो नदियाँ दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जल जमाव होता है, दूसरा नदियां दिखाई देने लगती हैं, दृश्य हो जाती हैं, ठीक है, नदियां क्या हो जाती हैं, नदियां दृश्य हो जाती हैं। और अब क्या है इसमें आगे देखेंगे, जो आपका जल क्या था कंकड़ पत्थर के नीचे बह रहा था, अब वो क्या है, वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जल स्तर है वो ऊपर उठ जाता है, जल स्तर ऊपर उठ जाता है, ठीक है, ऊपर उठ जाता है। और आगे देखिएगा इसमें, यहाँ पर आसानी से, ठीक है, आगे समझते हैं, आसानी से धान, ठीक है, गन्ना की खेती की जा सकती है, किसकी, धान यानी कि चावल की खेती और गन्ने की खेती की जा सकती है। और जो यूपी आता है आपका इसी एरिया में पड़ता है, कौन से में, तराई क्षेत्र पर, तराई क्षेत्र में ही आपका जो यूपी है वो आता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, जो यहाँ मिट्टी पाई जाती है वो होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, कौन सी मिट्टी होती है फ्रेंड्स, वो होती है जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक तो आपकी आएगी इसमें नवीन, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, दूसरी आएगी इसमें आपकी प्राचीन या पुरानी, ठीक है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। तो मैदानी भाग में जो मिट्टी पाई जाती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब मिट्टी भी दो तरह की है, नवीन जलोढ़ मिट्टी और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब इन मिट्टी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इसमें नवीन, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी क्यों बनती है, किस क्षेत्र में बनती है, तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि हर वर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, ठीक है, बाढ़ वाला क्षेत्र जो होता है वो आपका किस में आता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, मतलब जहाँ पर आपकी प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है।
तो जहाँ बाढ़ आती है, बाढ़ वाला क्षेत्र, उसमें आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है। मैं लिख देती हूँ इसमें बाढ़ क्षेत्र, क्या होता है, प्रतिवर्ष आती है, ठीक है, प्रतिवर्ष क्या होती है, बाढ़ आती है। अब इस मिट्टी का जो नाम है, इसी को हम बोलते हैं खादर, क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी। ये मान लीजिएगा खाद पानी वाली जो मिट्टी है, वही आपकी क्या है, खादर मिट्टी, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब इसकी क्या है, जल धारण, ठीक है, जल धारण की जो क्षमता है वो अधिक होती है, इसलिए ये मिट्टी अच्छी होती है। ठीक है, क्या है इसमें, इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ओके। अब इसमें जो कमी पाई जाती है, वो पाई जाती है, कमी किस चीज़ की होती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन की, ठीक है। और अधिकता किसकी होती है, तो अधिकता होती है इसमें अधिकतर होती है पोटाश, ठीक है, पोटाश, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड या अम्ल, ठीक है। और आपका जो इसमें है जैविक पदार्थ, चूना, ये सभी इसमें मिलते हैं, चूना भी मिलता है इसमें और जैविक पदार्थ भी मिलता है। ठीक है, अब आगे इसमें देखिएगा, अब कौन कौन सी फसल इसमें हो सकती हैं, तो जब इसमें अधिकतर किस चीज़ की, पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना, जैविक पदार्थ सब मिलते हैं, तो इसमें सारी फसलें हो सकती हैं। ठीक है, सभी फसलें हो सकती हैं इसमें, सभी फसल। ठीक है, आगे है आपकी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, हेडिंग डाल लेते हैं प्राचीन ठीक है जलोढ़ मिट्टी। अब ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, ठीक है, नहीं नहीं पहुंचता। ठीक है, इसके बाद अब इसमें देखिएगा, इसको बोलते हैं पूर्वी ठीक है, एक मिनट, पूर्वी क्षेत्र की, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में उपहार मृदा, पूर्वी क्षेत्र में इसको उपहार मृदा के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपहार मृदा के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, तो ये आपकी है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, या इसी का दूसरा नाम है बांगर, ठीक है, इसी का दूसरा नाम बांगर जलोढ़ मिट्टी। अब इसमें देखिएगा, इसमें जो कमी पाई जाती है, इसमें कमी, ठीक है, किस किस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की, ह्यूमस, ह्यूमस, फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, इन सब की इसमें क्या होती है, कमी पड़ जाती है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि क्या ये मिट्टी उपज के लायक है या नहीं है, ठीक है, कि हम इसमें कोई फसल उगा सकते हैं या नहीं। तो देखिएगा, हम इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जल का, जो बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुँच पाता, तो अगर इसको जल मिल जाए
ठीक है, मिट्टी में कोई कमी, मतलब यहाँ बाढ़ का जो पानी है वो पहुँच नहीं पाता है हर साल, तो इसलिए जल और खाद अगर हम इस मिट्टी में डाल दें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सभी फसलें की जा सकती हैं। जल प्लस खाद डालकर सभी फसलें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका जो है तराई भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, और तराई क्षेत्र के अंतर्गत जो आपकी मृदा यानी मिट्टी मिलती है उसके बारे में बात की हमने। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हमने बात की अभी कि जो हमारा उत्तर का मैदान है वो किस प्रकार बना है, क्या निर्माण प्रक्रिया रही है उसकी, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र उसमें पाए जाते हैं, जैसे भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र। ठीक है, भावर में आपके जो है कैसे निर्माण हुआ, उसका कंकड़ पत्थर से हुआ है, बड़े बड़े रेत के कण मिलते हैं, और क्या है ये अनुपजाऊ होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ नदियाँ जो होती हैं वो इन कंकड़ पत्थर के नीचे बहती हैं, नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है। इसके बाद आपका तराई क्षेत्र है, ठीक है, तराई क्षेत्र में क्या होती है, नदियाँ जो है जल स्तर ऊपर आ जाता है, नदियाँ फिर से दिखाई देने लग जाती हैं, यहाँ पर जल भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी फसलें की खेती की जा सकती है, और यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है वो जलोढ़ मिट्टी है। और जो आपको ये पूछा जाए कि उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मिलती है। जलोढ़ मिट्टी भी दो टाइप की होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी और प्राचीन या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं, और इसे में क्या होता है, यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। ठीक है, क्या आती है, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, यहाँ पानी की मात्रा खूब रहती है, इसलिए यहाँ पर सभी फसलें की जा सकती हैं। दूसरा, जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। ठीक, अब क्या है इसमें, तो अगर इसमें हम जल और खाद मिला दें तो यहाँ पर भी सभी फसलें की खेती की जा सकती है, और इसको पूर्वी क्षेत्र में उपहार मृदा कहते हैं।